टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण बाबा को थाने की नौपाड़ा पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कालीचरण बाबा और अन्य 5 लोगों के खिलाफ थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई थी और रायपुर पुलिस से कालीचरण बाबा को थाने पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है और कालीचरण बाबा को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां पुलिस ने कोर्ट में 2 दिन की कालीचरण बाबा की पुलिस रिमांड ये कहते हुए मांगी कि अन्य 5 आरोपी भी फरार हैं और वीडियो भी जब्त करना है। मगर वहीं कालीचरण बाबा के वकील पप्पू मोरवाल की दलील को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और कालीचरण बाबा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं कालीचरण बाबा के वकील ने हिरासत के बाद कालीचरण बाबा की जमानत याचिका कोर्ट में दायर की है, जिस पर सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं इस पूरे मामले में कालीचरण बाबा के वकील पप्पू मोरवाल ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। हाँ जी, आपका नाम बताइए और आज क्या सुन रहे हैं? एडवोकेट पप्पू श्रीराम मोरवाल अकोला से हो। आज कालीचरण महाराज को थाने राय कोर्ट में प्रोड्यूस किया था रायपुर से कस्टडी लेके जितेंद्र आव्हाड जो राष्ट्रवादी के लीडर है और महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ एक गुना दाखिल करवाया था। पुलिस ने दो दिन का कस्टडी रिमांड मांगा था कि भाई इनकी हमको कस्टडी लेना है, बाकी जो आरोपी है वो फरार है, इनसे पूछताछ करना है, वीडियो क्लिप जब्ती करना है। लेकिन हमने वहाँ महाराज के पक्ष में दलीलें रखी कि भाई महाराज की कस्टडी की आवश्यकता नहीं है और ये जो गुना है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री रहने के कारण और पदाधिकारी रहने के कारण न्याय का जो है पुलिस प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है और यहाँ पर घटना नहीं होते हुए भी सिर्फ फिरियादी ये मंत्री रहने के कारण पुलिसों ने गुना दाखिल किया है और यहाँ पर कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। जो घटना घटी थी पूना और रायपुर में उसके अंदर ऑलरेडी उनका जो है कस्टोडियल इंट्रोगेशन हो गया है, इसीलिए विद्यमान न्यायालय ने उनकी कस्टडी नामंजूर कर दी है। जमानत याचिका विद्यमान न्यायालय के सामने दाखिल किया था, न्यायालय में तपास अधिकारी व सरकारी वकीलों ने समय मांगने के कारण सोमवार को जमानत अर्जी रखी गई है।